टर्मक्स वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है उन एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जो लोग हैकिंग या फिर एथिकल हैकिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। डेफिनेटली आप टर्मक्स को यूज करके एक प्रो हैकर नहीं बन सकते, मगर आप बिगनर लेवल से टर्मक्स से शुरुआत कर सकते हो और आप टर्मक्स के मदद से छोटी मोटी हैकिंग कर सकते हो। लिनक्स एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एथिकल हैकर्स के लिए जो कमांड्स के मदद से ऑपरेट होता है। अगर आपको लिनक्स कमांड आता है तो आप इजीली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो और टर्मक्स को भी यूज कर सकते हो, और उनके अंदर जो हैकिंग टूल आते हैं उनको यूज करके आप हैकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्मक्स के कमांड के बारे में जिनको यूज करके आप टर्मक्स को यूज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों आई होप आप पहले से ही अपने मोबाइल में टर्मक्स को इंस्टॉल किए होंगे और टर्मक्स के बारे में थोड़ी बहुत तो जानते होंगे। अगर आपको टर्मक्स के बारे में पता नहीं और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में पता नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां से आप वीडियो को देख सकते हो और टर्मक्स के बारे में जान सकते हो और उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और टर्मक्स के जो कमांड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अपना टर्मक्स ओपन कर लेते हैं। हमारा टर्मक्स कुछ इस तरह दिख रहा है और ये जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड है, कोडिंग कीबोर्ड। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में कोडिंग कीबोर्ड सर्च करें तो ये कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस कीबोर्ड को आप इंस्टॉल कर लें ताकि आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएँ और अपनी जो कमांड है उस कमांड को लिख पाएँ। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला कमांड है वो है क्लियर स्क्रीन। सिंपली आप यहां पर क्लियर लिख के इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर लिखने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर जो कुछ भी था वो अभी क्लियर हो गया है, वो हट चुका है। यानी आप क्लियर कमांड के मदद से जो कुछ भी हमें डिस्प्ले हो रहा है उन चीज़ों को आप हटा सकते हो। और जो दूसरा कमांड है वो है PWD। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आप फिलहाल किस डायरेक्टरी में हैं, आपकी करंट डायरेक्टरी क्या है, इस कमांड के मदद से आप जान सकते हो। जिसके मैं यहाँ पर PWD लिखकर एंटर किया तो देख सकते हो मेरा जो करंट लोकेशन है वो यहाँ पर शो कर रहा है। डाटा के बाद डाटा, डाटा के बाद .com, टर्मक्स /file/home फोल्डर में अभी हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी डायरेक्टरी या फिर फोल्डर को क्रिएट करने के लिए mkdir कमांड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम mkdir लिख के उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, जिसके मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर लिख के क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप ls करके देख सकते हो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। और इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए हम cd कमांड को यूज करते हैं। यहाँ पर cd लिख के उस फोल्डर का नाम एंटर करें जिस फोल्डर पर आप जाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर cd न्यू फोल्डर लिख के एंटर किया तो उस फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ पर ls करके आप जो लिस्ट शो होता है, आप जिस भी फोल्डर में होते हैं उस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी होता है वो ls कमांड के मदद से आप देख सकते हो। इस फोल्डर में अभी कुछ नहीं है इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। और एक फोल्डर से बैक आने के लिए हम cd --" का यूज करते हैं, जिससे हम एक फोल्डर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ls करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो हम पहले न्यू फोल्डर के अंदर थे। मैं cd --" करके न्यू फोल्डर से बाहर आ गया हूँ। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर rm --r लिख के उस डायरेक्टरी का नाम या फिर उस फोल्डर का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर ट्री को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर rm /r लिख के न्यू फोल्डर लिख के एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो न्यू फोल्डर फाइल था वो डिलीट हो गया है। मुझे एक फोल्डर का ज़रूरत है इसलिए मैं फिर से क्रिएट कर देता हूँ न्यू फोल्डर। यहाँ पर आप सिंपली mkdir लिख के कोई भी फोल्डर या फिर डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। न्यू फोल्डर नाम का मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू फोल्डर लिख के एक फोल्डर हमारे पास अब बन गया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लियर कर देता हूँ ताकि जो आगे का जो कमांड है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर ls कर लेता हूँ तो हमारी जो फोल्डर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसके बाद जो कमांड आता है कि कैसे आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए pkg install लिखिए और उसके बाद उस पैकेज का नाम लिखिए, जैसे कि पाइथन हो गया लिखने के बाद एंटर करें तो उस पैकेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैं pkg install python लिखा हूँ तो python पैकेज जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पैकेज है वो डाउनलोड हो रहा है। ये कितना टाइम लेगा ये मुझे पता नहीं, ये इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। पाइथन पैकेज है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है, यानी आप किसी भी पैकेज को इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कमांड यहाँ पर दी गई है जिनको आप यूज करके आप टर्मक्स को यूज कर सकते हो। मैं इस कमांड की PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो। तो ये थी दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, जिस वीडियो में हम टर्मक्स के कुछ बेसिक कमांड के बारे में बात किए और टर्मक्स का जो पूरी कमांड की लिस्ट है वो PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जो कमांड है उसे पढ़ के आप टर्मक्स में यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।